अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम दिनेश जी को थोड़ा अंकल करके क्यों बुलाती हो? एक्चुअली मैं उन्हें पिछले 20 सालों से जानती हूँ, और जब मैं छोटी थी पापा से अक्सर मिलने आते थे और कहते थे मिस्टर गुप्ता हर महीने इन्वेस्ट किया हुआ थोड़ा थोड़ा पैसा एक दिन बड़ा होके हमें बहुत सारी खुशियाँ देगा, और पता नहीं क्यों ये लाइन वो मुझे देख कर ही कहते थे और पापा मुझे गोद में बिठा लेते थे। अरे वाह, तुम्हें आज भी याद है? कैसे भूल सकती हूँ थोड़ा अंकल, आप ही के वजह से तो मम्मी और पापा ने ना सिर्फ रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू किया बल्कि SIP इंश्योर भी लिया। उन्होंने समझाया कि इसे रिलायंस म्यूचुअल फंड वाले इंश्योरेंस कवर देते हैं, और अगर 3 साल तक आपकी SIP चालू रही तो SIP की मंथली अमाउंट के 120 गुना रकम का इंश्योरेंस कवर देते हैं। बराबर बताया ना थोड़ा अंकल? बराबर मतलब अब तो आप खुद ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट बन गई हो। 3-4 साल तक SIP चली, और एक दिन अचानक मम्मी पापा की कार क्रैश में डेथ हो गई। लेकिन SIP इंश्योर के वजह से रिलायंस म्यूचुअल फंड वालों ने 50 लाख की रकम मेरे नाम कर दी, और वही 50 लाख थोड़ा अंकल ने मेरे नाम लंबे ड्यूरेशन वाले इक्विटी फंड में डिपॉजिट कर दी, और अब जब मैं 22 की हो गई हूँ तो वही पैसा मेरे फॉरेन एजुकेशन के काम आएगा, और मैं अपनी मास्टर्स अमेरिकन यूनिवर्सिटी से खुद फंड कर पाऊंगी और मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाऊंगी। वाह बेटा वाह। और दिनेश जी, आपके अकाउंट में ये एक और बड़ा पुण्य का काम, आप एडवाइजर हो या फरिश्ता? अरे मैम, सारी चीजें तो म्यूचुअल फंड्स में पहले से ही थी, मैंने तो बस पर्दा हटाया। अरे सर, ये तो रिलायंस रिटायरमेंट फंड का कमाल है, थोड़ी थोड़ी सेविंग से ढेर सारा हैप्पीनेस मिल सकता है। बस जल्द से जल्द सेविंग शुरू करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच थोड़ा अंकल। Don't forget to opt for SIP Insure facility of Reliance Mutual Fund, a retirement fund that offers protection of insurance cover, subject to conditions. Reliance Retirement Fund, first notified retirement fund with equity-oriented scheme. Tax benefits under Section 80C2. Contact your financial advisor. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.